नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 1 जुलाई 2020 और आज भी जो है क्रिकेट से जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है जो कि आप सभी को आगे मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी सच्चे वाले क्रिकेट के फ़ैन हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वहीं हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि क्रिकेट की रोज़ाना अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली खबर निकल कर आ रही है IPL 2020 को लेकर, जहां पर किंग्स इलेवन पंजाब के को ओनर नेस वाडिया ने IPL के स्पॉन्सर को लेकर अपना एक बड़ा स्टेटमेंट रखा है। दोस्तों, गलवान घाटी में चीन की नापाक हरकत के बाद अब भारत में उसके खिलाफ माहौल गर्म हो चुका है। सोमवार को भारत सरकार ने चीन के 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। अब मंगलवार को पंजाब टीम के मालिक नेस वाडिया ने भी चीनी कंपनियों के स्पॉन्सर को ख़त्म करने की मांग कर डाली है। किंग्स इलेवन पंजाब के को ओनर नेस वाडिया ने इस महीने की शुरुआत में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के कारण मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग में चीन की कंपनियों के स्पॉन्सर को धीरे धीरे खत्म करने की मांग की है। गलवान घाटी में 15 जून को 20 भारतीय सैनिकों की मौत के बाद चीन के उत्पादों के बहिष्कार की मांग लगातार जोर पकड़ रही है, इसलिए भारत सरकार ने भी इसके 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। वहीं BCCI भी IPL 2020 के स्पॉन्सर वीवो को लेकर कुछ बड़ा फैसला ले सकती है आगे चलकर, अगर सरकार इस पर जोर डालती है तो। इसके बाद दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को लेकर, जिन्हें 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान क्रिकेटर चुना गया है। दोस्तों, भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन ने हिंदुस्तान के 21st सेंचुरी का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर के रूप में चुना है। 31 साल के रविंद्र जडेजा हमेशा ही इम्पैक्टफुल गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से उनकी बल्लेबाजी में भी कमाल देखने को मिला है। उन्होंने बल्लेबाजी में काफ़ी सुधार किया है जो इंटरनेशनल लेवल पर भी देखने को मिला है। हम जडेजा को जब भी फील्ड में मैदान पर देखते हैं वो अपनी फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग तीनों ही डिपार्टमेंट में 100% देने के लिए तैयार रहते हैं और उनकी फील्डिंग का तो कोई जवाब ही नहीं, ये दुनिया के हर क्रिकेटर जानते हैं। इसके बाद दोस्तों, तीसरी खबर निकल कर आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर, जहां पर दोस्तों पाकिस्तान के 20 खिलाड़ी और स्टाफ मेंबर सहित इंग्लैंड दौरे पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जो खिलाड़ी कोरोना वायरस के कारण नहीं जा पाए थे, जो खिलाड़ी टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे, वो 6 खिलाड़ी नहीं गए थे। अब आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स ऐसे निकल कर आ रही है कि वो 6 खिलाड़ी इस बार नेगेटिव पाए गए हैं। अब ऐसे में वो बहुत ही जल्द इंग्लैंड दौरे के लिए जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को बताया कि फ़खर जमान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान और वहाब रियाज का 3 दिनों में दूसरी बार COVID-19 टेस्ट नेगेटिव पाया गया है। यह खिलाड़ी अब इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम में शामिल होने के लिए योग्य हो गए हैं और जल्द ही वो शामिल हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, चौथी खबर निकल कर आ रही है एक बुरी खबर ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के साथ सीरीज़ को लेकर, जहां पर दोस्तों ये वनडे सीरीज़ रद्द हो गई है। कोरोना के चलते क्रिकेट फैंस के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। अब COVID-19 की वजह से ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का दौरा भी रद्द हो गया है। दोनों बोर्ड की सहमति के बाद ये फैसला लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के बीच अगस्त में इस सीरीज़ के दौरान 3 एकदिवसीय मैच खेले जाने थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं जिसके चलते अहम फैसला लिया गया है। इसके बाद दोस्तों, पांचवी खबर निकल कर आ रही है न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन, जिन्होंने IPL 2020 खेलने की इच्छा जताई है और इसको लेकर एक बड़ा बयान भी दिया है। दोस्तों, न्यूजीलैंड और सनराइजर्स हैदराबाद के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL को सबसे बड़ा घरेलू प्रतियोगिता बताया है। विलियमसन ने कहा है कि वह टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर काफ़ी कुछ सीखना चाहते थे। विलियमसन ने सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी भी की है। अब इसके बाद दोस्तों, छठवीं और आखिरी खबर निकल कर आ रही है भारतीय
भारतीय टीम के खिलाड़ी ऑलराउंडर कृणाल पांड्या को लेकर, जिन्होंने रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा और ईशांत शर्मा जैसे खिलाड़ियों के बाद अब खुद भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। कोरोना वायरस महामारी के कारण लंबे समय से क्रिकेट से दूर क्रिकेटर अब धीरे धीरे आउटडोर ट्रेनिंग में वापसी कर रहे हैं। इसमें अब भारतीय क्रिकेटर कृणाल पांड्या का भी नाम शामिल हो गया है, जो पिछले कुछ महीने से कोविड-19 के चलते अपने घर में रहने के लिए मजबूर थे, लेकिन उन्होंने 3 महीने से अधिक समय बाद आउटडोर ट्रेनिंग शुरू कर दी है। कृणाल पांड्या ने अपने वर्कआउट की तस्वीर पोस्ट करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि मैदान पर दौड़ लगाकर दिन की शुरुआत की, एक बार फिर यहां आकर अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि अब चीज़ें नॉर्मल होती हुई देखने को मिल रही हैं, काफ़ी क्रिकेटर भी आउटडोर ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं। अब हमें यही देखना होगा कि भारत में मैचेस कब से शुरू हो पाते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।